इस वक्त मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हूं, जहां पर मूल निवासी संघ निजीकरण के खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन का आयोजन किया है, जिसके खिलाफ सरकार के खिलाफ लोगों ने हल्ला बोल का ऐलान किया है। मूल निवासी संघ के कार्यकर्ता और काफ़ी तादाद में यहां पर लोग मौजूद हैं, जिनमें मेरे साथ एक मूल निवासी संघ के ही एक सदस्य मौजूद हैं और हम इनसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से ये जो निजीकरण के खिलाफ ये लड़ाई लड़ रहे हैं, किस तरीके से इसको सक्सेसफुल करेंगे। आपका नाम सर? मेरा नाम सुशील गौतम है। जी सर, सुनील गौतम जी। सुशील गौतम जी, अच्छा अच्छा। सुशील सर, ये बताइए कि ये जो आपने यहाँ पर एक प्रदर्शन किया है, इस तरीके से आप आने वाले समय में किस तरीके से ये निजीकरण के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, क्या मकसद क्या है इसका, किस तरीके से? निजीकरण हम के खिलाफ हम सिंपल सी बात हमें यूँ खड़े हुए हैं कि शिक्षा को बाबा साहब ने शिक्षा का अधिकार दिया है, अब जो इनका जो अगला बार जो हो रहा है वो शिक्षा पे ही हो रहा है। शिक्षा को जल्दी से जल्दी वो निजीकरण करना चाहते हैं, ताकि जो गरीब तबके के जो फैमिली के जो लोग हैं वो बिल्कुल भी शिक्षित ना हो सके। शिक्षित होंगे तो गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे, गवर्नमेंट जॉब जाएंगे तो या उनको पैसा आएगा, उनके पास पैसा आएगा तो मूल निवासी भोजन को पैसे देंगे, वो आर्थिक और समाज उसे मजबूत होंगे। अब आपने देखा होगा कि जो 1990 में मंडल आयोग लागू किया था, तो ब्राह्मण सब कांग्रेस और बीजेपी ने मिल के आंदोलन चलाया, स्टूडेंटों ने, चाहे JNU के हो, चाहे DU के हो या BHU के हो, रोडों पे आ गए। एक गोस्वामी नाम के स्टूडेंट ने आत्महत्या तक ही कर ली थी। तो जब तक स्टूडेंट हमसे नहीं जुड़ेंगे, वो रोड पे नहीं आएंगे, निजीकरण के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। हम लोग सबसे पहले स्टूडेंट तक पर जाना चाहिए कि स्टूडेंट की आवाज़ सीधा ऊपर तक जाती है, चाहे आप कन्हैया कुमार का एग्जाम्पल ले लीजिए, चाहे आप जो BHU में जो भी महिला वो सब चल रहा है। एक तो तरफ तो वो कहते हैं कि हम दुर्गा पूजा करते हैं, ये तो लड़कियों को मार रहे हैं, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ बोलते हैं, वो कहते हैं बेटी बचाओ और बेटी पिटवाओ, ये उनका नारा है, ये सिंपल प्रूफ हो जाता है। अब नोटबंदी को लेकर दो, एक तो मोदी जी नोटबंदी स्टार्ट करते हैं, देखिए देश के हित में ब्लैक मनी अंदर आएगी, एक तरफ 54,000 करोड़ रुपये का लोन लेके आते हैं वहाँ से, किसके लिए, जापान से, क्यों लेके आए, मेट्रो ट्रेन के लिए, उस ट्रेन की टिकट कितनी है, 5,000 रुपये, आप ले सकते हो उस टिकट, मैं ले सकता हूँ भैया, हम 20 रुपये लेना मुश्किल हो जाता है ट्रेन की टिकट के लिए, हम 5,000 रुपये कहाँ से लेंगे। उनको ये समझना चाहिए, वो केवल बम्बई से लेके गुजरात तक यूँ स्टार्ट की, यही सबसे बड़े उद्योग है, बेंगलोर में नहीं है, कोलकाता में नहीं है, या जयपुर में नहीं है, या UP में नहीं है, और कहीं नहीं है, केवल बम्बई से क्यों स्टार्ट किया गया। अब आप उसको देखोगे कि 1990 से पहले जो किया गया था उसमें एयर इंडिया को उन्होंने दिखाया कि ये बहुत बड़ी घाटे में चल रही है। पहले भाई घाटे में खुद ही लाते हो, घाटे में भी खुद लाएंगे, उसके खिलाफ भी खुद चले जाएंगे कि हम ही उठा के दे रहे हैं। 1988 में क्या हुआ, मुद्रा कोष नीति की एक संगठन है UNO में, उनके 3 लोग ही कमेटी आई, राजीव गांधी से बोलते हैं कि आपका जो मुद्रा कोष है वो हानि में जा रहा है, तो राजीव गांधी ने कुछ नहीं किया, क्योंकि उस टाइम इलेक्शन थे। सबसे बड़ी पार्टी बनके उभरी कांग्रेस, 196 सीट आई, जो जनता दल की 152 आई, खुद ने सरकार नहीं बनाई, सरकार बनाती तो 8 महीने का सामना करना पड़ता, नाम उनका आता, इसकी सरकार बनाई, BP सिंह सरकार बनाई, फिर BP सिंह ने मंडल आयोग कर दिया, चालू कर दिया, तो उन्होंने गिरवा दिया। कुछ तो अच्छा कर रहे होंगे, लोग प्रशंसा भी कर रहे हैं मोदी के बहुत ज्यादा। मैं कह रहा हूँ अच्छा कर रहे हैं, 3% जो लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, 3% जो लोग हैं हमारे देश में उनके लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा सबके लिए खराब कर रहे हैं। 85% जो मूल्यवान समाज है उसके लिए तो कहाँ कर रहे हैं भैया, हमारे पास एक गवर्नमेंट जॉब तो बची है, जिससे हमारी अपनी आर्टिस्ट फैमिली, हमारी आर्टिस्ट सुधरती है, वो आप छीन रहे हो, तो हमारे लिए क्या अच्छा है, आप सिंपल सी बात बताओ, हमारे लिए क्या अच्छा है जब आप हमसे गवर्नमेंट जॉब छीन रहे हो। चलिए ये तो ठीक है, मोदी जी की नीति है जिनसे आप इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो इस वक्त यहाँ पर जो प्रदर्शन चल रहा है इसको लेकर के किस तरीके की तैयारी है और किस तरीके से निजीकरण को का खात्मा करेंगे, क्योंकि सरकार के हाथ में तो सब कुछ है। पहली बात, ये तो डैम हुआ है, अब हम लोगों के घर घर जाएंगे, छोटी छोटी मीटिंग करेंगे, कॉलेजों में जाएंगे, स्टूडेंट को जागृत करेंगे कि निजीकरण से आपको क्या हानि है, इसके बारे में लोगों को बताएंगे, फिर हम रोड पे आएंगे, तब भी कुछ नहीं होगा तो अपनी सरकार बनाएंगे। 2019 में इलेक्शन है, चाहे हमारी 15 सीट है, 20 सीट है, जो भी सीट है, मगर अपना हम अपना रिप्रेजेंट भेजेंगे वहाँ पे, जो हमारे हमारे खिलाफ, हमारे साथ, हमारे सम्मान के लिए वहाँ लड़ाई करें, वो बताएं कि निजीकरण ST SC OBC माइनॉरिटी के लोग हानिकारक है। जब तक हमारे लोग वहाँ पे नहीं पहुँचेंगे, अब तो हम भीख से मांग रहे हैं, अधिकार कभी भीख मांगने से नहीं मिलते, उनके लिए संघर्ष करना पड़ता है, छीनना पड़ता है उनके लिए। तो आप ये
दिक्कत मतलब नुकसान के क्या नुकसान क्या है निजीकरण होने से वो चीज़ बताइए। सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कि बाबा साहब ने हमें शिक्षा का अधिकार दिया है वो भी प्राइवेट हो रहा है। हमारे देश में 20% लोग ऐसे जो गरीब है, गरीब लोग की प्रॉपर्टी क्या देहात की गवर्नमेंट ने, जो बंदा शहर में रहता है वो 1000 रुपये कमाता है वो गरीब नहीं है, गाँव में जो बंदा 840 रुपये कमाता है वो गरीब नहीं है। तो गरीब भैया वो बंदे जो 840 रुपये नहीं कमा पा रहे वो तो बिल्कुल शिक्षा से गए, जब एक महीने में 840 रुपये खर्च नहीं कर पा रहे तो वो शिक्षा क्या लेंगे भैया। 30 रुपये गवर्नमेंट 3 महीने की गवर्नमेंट लेती है शिक्षा के लिए, अब 300 रुपये हो जाएगा, अब 300 रुपये वहाँ पे दे देंगे तो भैया खाएंगे क्या। इसके लिए कुछ लिखित में कोई प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री को कुछ लेटर भेजा है? सर हमारा ये प्रदर्शन 22 राज्यों में, हमने लिखित रूप से मूल्यवान संघ के पेपर तले ये सूचना हमने प्रधानमंत्री तो भेजी है, यहाँ से भी 22 राज्यों में भेजी है, लगातार जाती है वो।